नमस्कार, एस के तड़के में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की पपड़ी। बेसन की पपड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बेसन, 100 ग्राम मैदा, ऑयल, अजवाइन, खाने का सोडा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हींग और गरम मसाला। आइए शुरू करते हैं बेसन की पपड़ी के लिए। सबसे पहले हम बेसन और मैदा मिक्स कर लेंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा गड्ढा सा बना के बीच में इसमें मोया डाल देंगे तेल का। करीब हम बड़ा वाला एक चम्मच तेल डाल देंगे मोए के लिए। 1.5 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच खाने का सोडा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची और थोड़ी चुटकी भर हींग। सारे मसाले डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे और ये ध्यान रहे कि इसमें गांठें ना पड़े। इसको हम थोड़ा पूड़ी के आटे से थोड़ा सा और कड़ा गूंदेंगे, जिससे कि पपड़ी बनाते समय चिपके ना। तेल का हाथ लगा के हम इसको इसी तरह से गूंदते रहेंगे। इसको हम इसी तरह से गूंदते रहेंगे जिससे कि पपड़ी हमारी खस्ता बने। आटा तैयार है और इसमें तेल लगा के 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा आटा लेकर लोइयां बना लेंगे। आटे को पटे पर इस तरह रोल कर लेंगे। आटे को बराबर भाग में काट लेंगे। एक हिस्से की लोइयां बनाकर हम इनकी छोटी छोटी पूरियां बना लेंगे और फैलाकर रख देंगे। सारी पूरियां बन जाने के बाद हम पूरी में थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर वापस बेल लेंगे और इसे एक बड़ी पपड़ी का आकार दे देंगे। पपड़ी को चारों तरफ से एक समान बिल्कुल गोल बेलना है। सारी पपड़ियाँ बेलने के बाद हम इन्हें हल्के ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह से बाकी सारी पपड़ियाँ भी तल लेंगे। करारी और खस्ता पपड़ियाँ तैयार हैं। आप इन्हें दही और चटनी के साथ खा सकते हैं और आप इन्हें महीने भर तक एयरटाइट कंटेनर में रखकर यूज कर सकते हैं। टेस्ट के तड़के को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।